तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप मैग्नेटिज्म में पढ़े होंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, और ये होता नंबर ऑफ टर्न्स करेंट इन द वायर और एरिया ऑफ द सर्कल। ये एक करेंट कैरिंग वायर है जिसमें करेंट आई फ्लो हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है भाई, किधर से किधर भी जा सकता है। तो ये जो है इसके पैरेलल एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है, उसका भी डायरेक्शन ऊपर ही आएगा। तो ये वाली चीज़ हमें कैलकुलेट करना है, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कल एंड आई इज़ द करेंट इन द सर्कल वायर, इस वायर में, और एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, ये एरिया, ये वाली चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन हमें करंट इलेक्ट्रॉन के केस में कैलकुलेट करना है, इन द इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट। चलो, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ये न्यूक्लियस है प्यारा सा। ग्राउंड स्टेट में ये जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और ग्राउंड स्टेट के लिए ये रेडियस आर नॉट के इक्वल होगी, और वट एवर जो भी लीनियर स्पीड होगी वो भी नॉट होगी। तो हम क्या लॉजिक डेवलप करें, कैसे निकालें? ठीक है, चलो। तो देखो, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, तो यहाँ एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स वन हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू है वो आ जाएगी एन आई ए, को मैं लिख सकता हूँ वन, और करंट, करंट की वैल्यू अभी मैं आपको याद हो तो रख दो, नहीं तो एरिया पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और करंट की वैल्यू चार्ज और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ये वाली चीज़ यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ है, अब यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। कितने लोगों को करंट याद नहीं आता, तो फिर से एक बार मैं करंट निकाल देता हूँ। करंट इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ चार्ज की वैल्यू ई है और टाइम पीरियड टी है, तो टाइम पीरियड का वन अपॉन फ्रीक्वेंसी हो गया, और चार्ज ई के मल्टीप्लिकेशन के हो गया। तो ये हमेशा याद रखो कि अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ऑर्बिट में करंट बनेगा, उस ऑर्बिट में जो करंट बनेगा उसकी वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, उस ऑर्बिट की फ्रीक्वेंसी और चार से मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें हैं? तो फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं भैया, हम लोग तो एक्सपर्ट हैं, काम किए हैं इसमें, अगर पढ़ाई हुई है तो निकाल सकते हो। तो टाइम पीरियड होता है प्यारे बच्चों टू पाई आर, और लीनियर वेलोसिटी भी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, यहाँ से टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू टू पाई आर, और लीनियर वेलोसिटी भी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ जाएगी भी अपॉन टू पाई आर, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल में म्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी अपॉन टू पाई आर रख दूँ, और यहाँ से पाई आर का स्क्वायर, तो पाई ने पाई को, एक आर ने एक आर को, तो फाइनली ई वी आर एंड दैट इज डिवाइडेड बाई टू, तो ये मुझे मिल जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट है तो हमें एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू हम सबको पता है कि रेडियस आर इज इक्वल टू होता है आर नॉट, और रेडियस आर इज इक्वल टू, यहाँ से आपको रेडियस वाला फार्मूला याद होना चाहिए, रेडियस आर इज इक्वल टू एन अठवा जेड होता है, और ये 0.529 के इक्वल होता है एंगस्ट्रॉन में, और वन का स्क्वायर आ जाएगा, और ये एंगस्ट्रॉन। ठीक है, चलो। लीनियर स्पीड भी इज इक्वल टू होता है वी नॉट जेड अपॉन एन के इक्वल होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे 2.18 × 10^6, और जेड की वैल्यू वन और ये वन, तो इतने मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये जब चीज़ उठा के, ये दोनों उठा के यहाँ रखेंगे, तो फाइनल मेरा जो कैलकुलेशन बनेगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और वही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में चार्ज आने इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू रखो, तो चार्ज आने इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10^-19, ठीक है ना। लीनियर वेलोसिटी बी की वैल्यू रखो 2.18 × 10^6, आर रेडियस, रेडियस आर की वैल्यू
0.529 एंगस्ट्रॉम एट 10 की पावर -10 एंड अल्टीमेटली डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 9.2 × 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एंड दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।